हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ, प्लीज क्लास को ज्वाइन करें पहले एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड देन वील स्टार्ट टूडेज डिस्कशन। यू नो, टुमारो इज संडे, देर विल बी अ मैराथन क्लास 10 to 12 o'clock। गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। कल अपने आप को फ्री रखें, 10 o'clock पे ज्वाइन करें। यस प्लीज, दिस इज द फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस नंबर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देर इज अ लाइन ऑफ पोयम, विच पोयम एंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। फ्रॉम विच पोयम दिस लाइन इज? फर्स्ट वन इज हाउ डू आई लव दी, इट इज बाई रोब एलिजाबेथ ब्राउनिंग। एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फुल नेम इज रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइफ। ओड टू ग्रीसियन अर्न बाई कीट्स, ये तो सबको ही पता है। इन फेथ आई डू नॉट लव दी विद माई नाइज, लेट मी नोट टू द मैरिज, ये बोथ द पोएम्स बाई शेक्सपियर। दे आर सोनेट्स। वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इट इज, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाउ डू आई लव दी। इट इज अ सोनेट, सोनेट नंबर 43। इट इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो इनका जो वाक है उसमें ये 43 है। एंड सी रोट सर्टेन सोनेट्स व्हेन सी वाज इन लव विद रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट इट इज, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई ये 6 ही रहेंगे या कोई और भी आएगा? बिल्कुल मन नहीं करता इतने कम बच्चों के साथ। कम से कम 1 से 2 घंटा लगाते हैं आपके लेक्चर के ऊपर तैयार करने में। विच पोएट इज कंसिडर्ड अ नेशनल पोएट इन ग्रीस? नेशनल पोएट इन ग्रीस, देर इज कीट्स, बायरन, सोलन एंड साफो। साफो तो सी इज अ एंशिएंट पोएटेस। फ्रॉम ग्रीक, सेकेंडली जोन किड्स के बारे में कहा जाता है ही इज हाफ ग्रीक। रीजन, बिकॉज ही रोट ऑलमोस्ट ऑल द पोएम्स ऑन ग्रीक लीजेंड्स। लॉर्ड बायरन इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन नोट इट डाउन। ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद? एडवर्ड लियर 19th सेंचुरी पोएट ही इज, ही बोर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1888। अ 19th सेंचुरी पोएट एंड ही इज फेमस फॉर लाइमरिक। लाइमरिक, लाइमरिक क्या होता है? लाइमरिक आर नॉन सेंसिकल पोएम्स। एंड ही रोट अ बुक एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज अ बुक ऑफ नॉन सेंस। अ बुक ऑफ नॉन सेंस एंड द बुक पब्लिश्ड इन 1848, 46, सॉरी आई थिंक इट इज 46, 1846 कर लीजिए। द बुक पब्लिश्ड इन 1846 रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो अब तो आंसर हो ही गया इसका क्लियर। तो ही इज नोन फॉर नॉन सेंसिकल पोएम्स, ऑप्शन नंबर डी।
नेचर, एपिक सोनेट्स, अब कोई भी इसको आंसर नहीं करेगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा ना इनको तो सोचेगा यार नॉनसेंस पोएम तो क्या लिखेगा, नेचर पोएम होंगी, एपिक्स लिखे होंगे, सोनेट्स लिखे होंगे, बट एक्चुअली द आंसर इज नॉनसेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड दीज आर नोन एज लाइमरिक्स। तो यू कैन गो थ्रू सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ लाइमरिक, इंटरनेट वगैरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, गुड आफ्टरनून बबीता। यस भाई, शेयर करो एक बार सारे, ऐसे नहीं मजा आता बिल्कुल भी। आप लोग ना, यदि आप लोगों का पूरा सपोर्ट हो तो जब मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक, तो उसी टाइम आप लोगों को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, सिर्फ शेयर करने के लिए ही बोल रहे हैं। और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक पेपर नहीं होगा एक सेशन डेली जाएगा, एंड आई स्टैंड विद माई प्रोमिस। बट 5-7 बच्चे, यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कोलरिज पोयम द राइम ऑफ एंशेंट मारिनर, वेयर वॉज थ्री गैलेंट्स गोइंग। राइम ऑफ एंशेंट मारिनर इज अ बैलेट, इट्स अ बैलेट, ठीक है। एंड यू नो थ्री गेस्ट्स दे वर गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी, जहां पर जो ओल्ड सेलर है वो रोक लेता है उनको। तो इट मीन्स द आंसर इज अ वेडिंग पार्टी, दे वर गोइंग टू अ वेडिंग पार्टी, टू अटेंड अ वेडिंग पार्टी। ये आसान क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हुआ, आई थिंक पहले इसकी बात हो चुकी थी। यस, हैरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर्स। किसको बोला है ये, परफेक्ट मैनर्स? ई कमिंग्स, टी एस एलियट, जॉन ग्रीन लीफ विटर और वॉल्ट विटमैन। ई कमिंग्स एलियट, तो ही इज टॉकिंग अबाउट टी एस एलियट हियर, अ नोबेल लॉरेट। ही वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आई थिंक इन 1925, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही रोट वेस्ट लैंड, एस वेंसडे, गिफ्ट ऑफ मजा आई ऑल्सो। तो सर्टेन पोएम्स, वेरी पॉपुलर पोएम्स बाई येट्स, सॉरी एलियट, एंड ही इज एसोसिएटेड विद सम हाउ न्यू क्रिटिसिज्म। एंड फॉर स्पिरिचुअल सपोर्ट ही लुक्स टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। ही लाइक्स टू कोट अल्यूजन्स एंड ही इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट पोएट। मेंटर कौन है इनके? मेंटर है इनके एजरा पाउंड। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं नेट में। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन? एमिली डिकिंसन एन अमेरिकन पोएटेस, शी रिमेन्स अनमैरिड थ्रू आउट हर लाइफ, रेयरली कम्स आउट फ्रॉम हाउस, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लेडी सी वोट्स, सेकेंडली और क्या था, सी यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स, सी इज नोन एज नन ऑफ एमरेस्ट। हर फेवरेट थीम फॉर राइटिंग पोइट्री वॉज डेथ।
देखो कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं, और इनके बहुत सारे फेमस पोएम है, काफ़ी सारे फेमस पोएम है, दैट इज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, दिस इज अ पोएम बाई एमिली डिकिंसन, पॉपुलर पोएम इट इज। हाँ, लेकिन की पोएम है स्नेक पे है, और इनके मरने के बाद आफ्टर हर डेथ हर पोएट्री वॉज पब्लिश्ड बाई हर सिस्टर, बस वो लिखती रहती थी, बाद में उनकी सिस्टर ने ही पब्लिश करवाया है जो भी करवाया है। एक और बहुत फेमस पोएम है इनकी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो मेनली सी राइट्स अबाउट डेथ। रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट, बोअर वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए रूपर्ट ब्रूक फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ वॉर पोएट, ही वॉज वेरी हैंडसम, काफी हैंडसम थे, और एलियट ने इनके बारे में क्या कहा है, येट्स ने इनके बारे में क्या कहा है, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ऐसा बोला है येट्स ने इनके बारे में, ठीक है। और इनकी काफी सारी पोएम है, लाइक द सोल्जर, द डेड, द ओल्ड विकारेज, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द वॉर पोएट्स, और कौन है, हाँ नमस्कार किरण, वॉर पोएट इनके साथ और कौन है, ससून है, ठीक है, और कौन है, विल्फ्रेड ओवन है, और रॉबर्ट ग्रेव्स, दे आर नोन एज वॉर पोएट्स, एंड रूपर्ट ब्रूक इज वन ऑफ देम। तो इट मीन्स दैट कि ही वॉज राइटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही टुक पार्ट इन इट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस। विच पोएट ल्योरेट रोट अबाउट अ चर्च माउस, पोएट ल्योरेट यू अंडरस्टैंड, जिसको हम नेशनल पोएट भी बोल देते हैं, बैट्समैन, ह्यूज, मार्वल, लार्किन, इनमें से कौन है जिसने, हाँ गुड आफ्टरनून अक्षय, हु रोट अबाउट चर्च माउस, चर्च माउस, एक्चुअली द टाइटल ऑफ द पोएम इज डायरी ऑफ अ चर्च माउस, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम, इट्स अ पोएम, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट अ चर्च माउस एंड द ऑथर, सॉरी द पोएट इज, पोएट कौन है, पोएट आपके हैं जॉन बेटजमैन, ही इज एन इंग्लिश पोएट, हु बिकेम पोएट ल्योरेट आफ्टर टेनिसन, टेनिसन के बाद बने थे, और टेनिसन किसके बाद बने थे, वर्ड्सवर्थ के बाद, टेनिसन बिकेम पोएट ल्योरेट आफ्टर वर्ड्सवर्थ, एंड आफ्टर टेनिसन जॉन बेटजमैन बिकेम द पोएट ल्योरेट ऑफ इंग्लैंड, एंड ही रोट अ पोएम डायरी ऑफ अ चर्च माउस, यस। तो यू कैन नोट डाउन इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996,
विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996? रॉबर्ट हैस, जेसिका हैगडोन, माया एंजलो, माइकल पामर. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रेव एंड स्टार्टिंग ट्रूथ इन 1996. एक्चुअली इट इज अ पोयम, इट्स अ पोयम एंड द पोयम इज रिटन बाई माया एंजलो. कलर्ड पोएट मीन्स ब्लैक पोएट, शी इज अ ब्लैक पोएट, माया एंजलो पॉपुलर फिगर एंड शी रोट अ पोएम अ ब्रेव स्टार्टलिंग ट्रूथ. इट्स अ पोएम. सी बिलोंग टू अमेरिका. तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. इफ यू टॉक अबाउट द ब्लैक पोएट्स, माया एंजलो इज देयर. यू कैन मेंशन लैंगस्टन ह्यूज्स, वेरी पॉपुलर पोएम्स बाय लैंगस्टन ह्यूज लाइक आई टू नो अमेरिका. बहुत फेमस एक इनकी पोएम है राउंड अबाउट, जस्ट 4-5 lines पोएम, इट इज राउंड अबाउट, बहुत खूबसूरत पोएम है. लैंगस्टन ह्यूज हो गए, ये हो गए. और इस पे आप यदि ब्लैक ऑथर्स की बात करोगे तो मॉरिसन इज देयर, एलिस वॉकर इज देयर, और भैया आप यू कैन मेंशन थियोंग ओ ऑल्सो, एंड यू कैन मेंशन क्या नाम उनका है, वोल्सो, इंका ऑल्सो. सो मैनी ऑथर्स आर देयर हु आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. रैल्फ एलिसन इज ऑल्सो देयर. तो यू शुड गो थ्रू दीज ऑथर्स. हु रोट अबाउट द आइडिलिक आइल ऑफ इनिसफ्री? इट इज अ ब्यूटिफुल पोएम. एट दैट टाइम द पोएट वॉज एन ओल्ड मैन लिविंग इन लंडन अर्बन एरिया, बट ही वॉज फेड अप विद दैट यू कैन से कॉमोशन हसल बसल ऑफ द सिटी एंड ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस. देयर ही वॉन्टेड टू लिव अ पीसफुल लाइफ, अ रूरल लाइफ, पेस्टरल काइंड ऑफ लाइफ वेयर ओनली साइलेंस, पीस इन द लैप ऑफ नेचर. जैसे कई बार होता है ना, जब लोग काफ़ी पैसा वैसा कमा लेते हैं फिर कहते हैं भाई अब चैन की जिंदगी चाहिए, बूढ़े हो जाते हैं. तो ऑलमोस्ट सेम फीलिंग्स डब्ल्यू बी ईट्स वॉज हैविंग एट दैट टाइम. द पोएम इज बाई डब्ल्यू बी ईट्स. वो कहते हैं कि मैं ना एक छोटी सी घर बनाऊंगा झोपड़ी टाइप, और अपने खुद ही अपने आप ही यू कैन से खाने पीने की चीज़ें उगाऊंगा. देयर वुड बी अ स्ट्रीम, सम बीज आर देयर, फ्लावर्स आर देयर. तो सच काइंड ऑफ यूटोपियन वर्ल्ड ही इज क्रिएटिंग इन दिस पोएम. और ईट्स इज एन आयरिश पोएट. आयरिश है तो वापिस कहाँ जा रहे हैं? आयरलैंड जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं. बेसिकली द पोएम पब्लिश्ड इन 1888. द पोएम कंटेन्स 3 stanzas, 4 lines ईच, टोटल 12 lines, ठीक है ना. और ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू इनिसफ्री. इनिसफ्री इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड इट इज रिटन बाई हेलो सर मिस्टर, रिटन बाई डब्ल्यू बी ईट्स. एजरा पाउंड एसोसिएटेड विद इमेजिज्म, न्यू किड्सिज्म. एजरा पाउंड वॉज द पर्सन हु ट्रिम्ड वेस्टलैंड इंटू जस्ट 433 lines. ऑलमोस्ट यू कैन से 1/4 पोर्शन ही कट रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोएम. करीबन करीबन 1/4 पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया था इन्होंने. और ये जो है बात कर रहे थे टी एस एलियट, और उसके बाद ही पोएम पब्लिश होती है विद सर्टेन नोट्स ऑल्सो. कि पोएम इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज फ्रेगमेंट्री पोएम, सर्टेन अल्यूजन्स आर देयर, देर इज लैक ऑफ कोहरेंस एंड दैट्स वाई टी एस एलियट हैज टू मेंशन सम नोट्स एट द एंड ऑफ द पोएम. चलिए तो डब्ल्यू बी ईट्स तो एवरीबडी नोज, थोड़ी देर पहले हमने बात भी की है. आयरिश ही वॉज नोन फॉर द ड्रामेटिक रिवाइवल ऑफ ड्रामा इन आयरलैंड. पोएटिक ड्रामा ही रोट and he wrote poetry also, legendary poetry. He wrote Prayer for My Daughter, Second Coming, Sailing to Byzantium, Leda and Swan.
सम वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स ही प्रिपेयर्ड। हाँ यस बिल्कुल शर्मिष्ठा, ही समराइज्ड वेस्टलैंड। अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोएट्री इज नोन एज राइम स्कीम, मीटर, अलिट्रेशन। राइम स्कीम क्या है कि व्हेन वी आर स्टडिंग द राइमिंग वर्ड्स विच अकर एट द एंड ऑफ लाइन, तो दिस इज नोन एज राइमिंग स्कीम। मीटर मीन्स व्हेन वी आर स्टडिंग द पैटर्न ऑफ राइटिंग, जो पैटर्न है आपका उसमें कितने सिलेबल हैं क्या है, दैट इज नोन एज मीटर। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यू नो वेरी वेल, तो यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स। देर आर टू थिंग्स, वन इज मीटर एंड सेकेंड वन इज राइम। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो राइम को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, और मीटर को क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं। व्हेन द वर्स इज फॉलोइंग मीटर एज वेल एज राइम, इट इज नोन एज राइमिंग पोएट्री। व्हेन द वर्स फॉलोज ओनली मीटर एंड डिविएट्स राइम, इट इज नोन एज ब्लैंक वर्स। व्हेन द पोएट्री नाइदर फॉलो मीटर नोर फॉलोज राइम, इट इज नोन एज फ्री वर्स। If we talk about the pattern, then we must know about four things. That is, क्या बोलते हैं उनको हम, I A T D. I means iambic. A means anapaest. T means trochaic. And D means dactylic. These three. Iambic means when one unstressed is followed by one stressed. Anapaest means when two unstressed followed by a stressed. Trochaic means when a stressed followed by unstressed. And dactylic means when one stressed followed by two unstressed. एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, लिख कर रख लीजिए, आएगा हर बार आएगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मीटर। ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर, विच वन इज एक्सेंटेड, विच वन अनएक्सेंटेड। एक्सेंटेड मीन्स आई एम डिनोटिंग एक्सेंट हियर विद टिक मार्क, अनएक्सेंटेड विद क्रॉस। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, नोट करके रख लीजिए। द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स आर नोन एज अलिटरेशन, ऑनोमेटोपोया और राइम। Firstly, what do you mean by alliteration? Alliteration means when consonant sounds repeat. So it is known as alliteration. We are talking about consonant sounds and onomatopoeia. अब यदि ओनोमेटोपोया की बात करेंगे तो ओनोमेटोपोया में क्या आ जाता है, जब वर्ड का मीनिंग उसकी प्रोनंसिएशन से मैच करता हो। ऑल द हमिंग यू कैन से वर्ड्स आर ओनोमेटोपोइक। राइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर नोन एज अलिटरेशन। यस यस सर मिस्टर, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोएट, ये तो मेरे ख्याल से कोई भी गलत नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कोई भी गलत करेगा। सिल्विया प्लाथ इज अ कन्फेशनल अमेरिकन पोएट हर वेरी फेमस पोएम इज डैडी। शी रोट अ नॉवल ऑल्सो, कौन सा नोवल इनका था ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। एंड सी मैरिड एन इंग्लिश पोएट नेम्ड टेड ह्यूज, हु इज फेमस फॉर एनिमल पोएट्री। ही वॉज अ मूर फ्रॉम आयरलैंड। एंड सिल्विया प्लाथ आफ्टर मैरिज आफ्टर सम टाइम सी कमिटेड सुसाइड।
शी कमिटेड सुसाइड। तो शी कमिटेड सुसाइड। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लार्किन इज अ मूमेंट पोएट। लार्किन इज अ मूवमेंट पॉइंट। कार्ल सैंडबर्ग प्लैंक्ट व्हाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। इट इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिक पीस। सेमी ऑटोबायोग्राफिक पीस ऑफ राइटिंग इट इज। इट्स अ पोएम बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है। सी सीन्स रूरल आइडियल वोर इनोसेंट चाइल्डहुड। तो आंसर इज इट इज अ रूरल आइडियल। आइडियल मीन्स व्हेन यू आर प्रेजिंग समवन और समथिंग। समवन और समथिंग इट इज नोन एज आइडियल। यस यस यस। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1960 द कोलोसस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स बाई पब्लिश्ड बाई विच पोएटेस। एलिजाबेथ बिशप, सिल्विया प्लाथ, मैरियन मूर, लॉरा जैक्सन। मेरे ख्याल से ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा। एक्चुअली इट इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाई सिल्विया प्लाथ हुम वी जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू सेकेंड्स अगो। तो इट इज द फर्स्ट कलेक्शन रिटन बाई सिल्विया प्लाथ द कोलोसस। शी रोट वेरी ब्यूटिफुल पोएम्स विद कन्फेशनल नोट लाइक डैडी इज देयर, मिरर इज देयर, सम वेरी ब्यूटिफुल पोएम्स शी प्रोड्यूस्ड। In his poem, Kipling said, "If you can meet with triumph and Kipling, a colonial poet and colonial writer, as well as he wrote novel also, popular figure, he won Nobel Prize also." तो वो किसकी बात कर रहा है? And this line occurs in the poem, and the title of the poem is "If." If is a poem by Kipling. रुडियार्ड किपलिंग, जंगल बुक जिनका बहुत ही फेमस वाक है। तो इफ पोएम है और इसमें ट्राइम्फ एंड डिजास्टर, द सेकेंड वर्ड इज ट्राइम्फ एंड डिजास्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग भी साथ में आंसर लिखा करो। एक रंजीत और शर्मिष्ठा आंसर कर रहे हैं बस, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम। होमरिक पोएम, गिलगमेश एपिक, डेल्यूज एपिक, हेसियोडिक ओड, विच वन इट इज। इफ यू टॉक अबाउट होमरिक पोएम, होमर वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ ग्रीक हु इज फेमस फॉर ओडिसी एंड इलियड। गिलगमेश एपिक जो है इट माइट बी रिटन बाई अलेक्जेंडर हैदर। ठीक है। तो डेल्यूज एपिक एंड हेसियोडिक ओड, तो हमारा जो आंसर है वो है द गिलगमेश एपिक। इट माइट बी रिटन बाय अलेक्जेंडर हेदल। एंसेंट वर्क इट इज। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, नहीं नहीं होमरिक, माफी चाहूंगा, इट इज होमरिक पोएम। यस होमरिक इट इज, सॉरी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, किरण कह रही है कि सिल्विया प्लाथ पे डीएसएसबी में क्वेश्चन आया था। क्या क्या ऑप्शन थे किरण, लिख सकते हो आप? कैन यू मेंशन द ऑप्शंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक ट्रेडिशन? एपिक इज देयर ऑफ कोर्स, कॉमिक, ओकल्ट, ट्रेजिक, इनमें से कौन सा पोइट्री का ऑप्शन नहीं है? एपिक पोइट्री, ट्रेजिक पोइट्री, तो ये सारी चीजें हैं, बट देर इज नो ट्रेडिशन ऑफ ओकल्ट, ओकल्ट पोइट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी। विच पोइट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल फुट इन पोइट्री? विलियम कार्लोस विलियम, डिकिंसन, जी एम होपकिंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, जी एम होपकिंस, ही वॉज अ विक्टोरियन पोइट। बेसिकली ही वॉज अ प्रिस्ट। हिज पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन मॉडर्न एज बाई रॉबर्ट ब्रिज। पोस्थमसली, उनके मरने के बाद ही पोइट्री पब्लिश हुई है। जी एम होपकिंस ने कुछ नया ट्राई किया पोइट्री में, लाइक इनस्केप, स्प्रंग रिदम, ये सारी चीजें किसकी रही हैं? जी एम होपकिंस की। ठीक है, कुछ नई चीजें जिन्होंने कुछ डिवाइज किया है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। फ्रॉस्ट इज नोन एज न्यू इंग्लैंड पोएट। एमिली डिकिंसन यूज्ड हाइफ़न्स इन हर पोएट्री फ्रीक्वेंटली। हाइफ़न लगा रही है बार बार। हाँ सही है किरण, हीट एंड डस्ट, ये एक नोवेल भी है। डस्ट ऑफ स्नो तो है फ्रॉस्ट का पोयम, हीट एंड डस्ट भी कोई पोयम है? आई थिंक नो, हीट एंड डस्ट इज अ नोवल, रुथ प्रावर झाबवाला का नोवल है। फ्रॉस्ट का पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलिए, तो अब जो बात हो रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल फुट इन पोएट्री, इट वॉज इन्वेंटेड बाई विलियम कार्लोस विलियम्स। किसने इन्वेंट किया है? कार्लोस ने किया है, और किस वाक में? द टाइटल ऑफ द वाक इज पेटरसन, पेटरसन, इन द वाक एंटाइटल्ड एज पेटरसन बाई विलियम कार्लोस विलियम्स, अमेरिकन ही इज, एंड ही प्रपाउंडेड दिस वेरिएबल फुट इन पोएट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फुट इन पोएट्री। द न्यू क्रिटिक्स वर, ओके, अच्छा, ठीक है। तो न्यू क्रिटिक्स मीन्स वी आर इन 1930s। देर वर टू मोमेंट्स पैरेलली, वन वॉज रशियन फॉर्मलिज्म, सेकेंड वन वॉज न्यू क्रिटिसिज्म। इनमें कई सारे सिमिलरिटीज भी हैं, 1920s का है, 1920 30s का मोमेंट है। इफ यू टॉक अबाउट न्यू क्रिटिक्स, दे वर आई ए रिचर्ड्स, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंट ब्रुक्स। ठीक है, ये लोग हैं, इनमें कुछ और भी लोग हैं, बर्ड्सले वगैरह काफी सारे हैं। बेसिकली देवर फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक्स बिकॉज देवर कंसिडरिंग द फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो कुछ पेज के ऊपर लिखा है बस वही है, कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग, इंटेंशनल ऑफ फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, टू एसेज वर रिटन बाई बर्ड्सले एंड जो दो ये थे, एसी बर्ड्सले, क्या नाम था उनका, अरे वो बोर्डसले के साथ उनके दूसरे वाले साथी हैं, नाम मेरे दिमाग से बड़े निकल जाते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिक तो यू नो वेरी वेल, इनका काम तो बिल्कुल ही अलग था। दे वर टॉकिंग अबाउट मैटर,
दे वर टॉकिंग अबाउट मेनली द इकोनॉमी. इकोनॉमी वॉज इन द सेंटर, बेस, सुपर स्ट्रक्चर, एलिनेशन, सरप्लस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं. फेमिनिज्म यू नो वेरी वेल वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, वेदर दे वर द सोशल राइट्स, पोलिटिकल राइट्स, सेक्सुअल राइट्स, कल्चरल राइट्स, तो उनकी बात कर रही है. दे वर नोन एज फेमिनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल क्रिटिक्स. इफ यू टॉक अबाउट, we find Freud is there, Lacan is there, Jung is there, Carl Jung, तो such were the Elsie Knight जिन्होंने Shakespeare को study किया है इस point of view से, तो they were the psychological critics. तो option number A is the correct answer. हमारा answer क्या रहेगा? हमारा answer रहेगा option number A. डी एच लॉरेंस अ पॉपुलर नॉवलिस्ट एंड पोइट ऑल्सो, ये बहुत कम लोग जानते हैं. ही रोट मैनी पोएम्स ऑल्सो, पोइट्री बहुत लिखी है आपके जो डी एच लॉरेंस साहब हैं. बट ही इज मेनली नोन फॉर हीज नॉवल्स लाइक सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरली इज लवर, भैया विमेन इन लव, रेनबो, कितने सारे उनके वर्क्स हैं, तो काफ़ी फेमस रहे हैं. रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रिमिटिविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, विच वन इज द आंसर? इनका आंसर क्या रहेगा? देखिए बेसिकली जो डी एच लॉरेंस है, ही इज टॉकिंग अबाउट सेक्स, वेदर इट इज सन्स एंड लवर्स, वेदर इट इज लेडीज चैटरलीज लवर, विमेन इन लव, रेनबो, सब में जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? सेक्स है. एंड सेक्स इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज अ फिजिकल नीड एज वेल एज मेंटल नीड ऑल्सो, ठीक है. तो दिस इज द प्रिमिटिव डिजायर, प्रिमिटिव डिजायर, और इसी बात को साइको एनालिटिक स्टडी भी कहती है. जिस तरीके से मार्क्स के सेंटर में इकोनॉमी है, तो फ्रायड के सेंटर में क्या है? सेक्स है, सीधी सी बात है. इसी तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं. तो डी एच लॉरेंस इज टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज सेक्स. तो व्हाट ही इज डूइंग इन हिज नॉवल्स, ही इज डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन रिलेशनशिप, एस्पेशली मैन वुमन रिलेशनशिप, दैट इज द प्राइम ट्रूथ अकॉर्डिंग टू डी एच लॉरेंस. You cannot escape, you cannot run away. So this is primitive desire. In Sons and Lovers, we find Oedipus complex. The mother is drawn towards the sons. In Lady Chatterley's Lover, you understand, जो Lady Chatterley है, उनके जो husband है, he becomes important in the war just after 3 months of her marriage. Then she हैड अफेयर विद जो उनके जंगल हाउस का जो देख रेख करने वाले हैं उनके साथ होता है. हाँ, गुड इवनिंग दीपक. तो उनके साथ उनका रहता है, अफेयर रहता है. तो सेक्स इज इन द सेंटर ऑफ डी एच लॉरेंस नॉवल्स, एस्पेशली वी कैन नॉट कॉल इट मियरली सेक्स, रादर ही इज टॉकिंग अबाउट द मैन वुमन रिलेशनशिप दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेक्स. तो ही इज एक्सप्लोइटिंग सच थीम. तो इट मीन्स He is talking about the primitive desire. तो option number C is the correct answer. हाँ sir, मिस्टर, option number C. From which of Shakespeare's play is this famous line? Did my heart love till now? Forswear it, sight, for I never saw a true beauty until this night. ये किस का किस में से आता है? You know, it is a very beautiful love play. Based on the love story. And you know, Midsummer Night's Dream, Hamlet tragedy है, Othello tragedy है. हालांकि love element उधर भी है. If you are going through Hamlet, you find Hamlet and Ophelia, Othello and Desdemona is there. But the line has been taken from Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, the subtitle of the play is Star-Crossed Lover. जैसे वो फिल्मों में होता था ना पहले, पुरानी जो 1990s की फिल्में होती थी, हीरो हीरोइन दोनों के घरों में आपसी लड़ाई होती थी, पुरानी रंजिश होती थी, उनको पता नहीं होता, दे फॉल इन लव एंड दिस दिस दिस, और उसके बाद वो सारी चीज़ें अमरीश पुरी की एंट्री वगैरह वगैरह,
ऑलमोस्ट सेम थीम रोमियो एंड जूलियट का भी है। कैप्युलेट एंड मोंटेग्यू, टू फैमिलीज आर देयर विच वर राइवलरी टू ईच अदर, राइवल टू ईच अदर, रोमियो जूलियट, एक मोंटेग्यू है तो दूसरा कैपुलेट है, दोनों के बीच में लड़ाई है। तो रोमियो व्हेन ही फर्स्ट टाइम ही सो जूलियट, ही वॉज टोटली स्पेल बाउंड बाई द ब्यूटी ऑफ जूलियट। बट एट द सेम टाइम वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, एट दैट टाइम जूलियट वॉज मियरली 12 ईयर्स ओल्ड। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़े तो सी वॉज मियरली 12 ईयर्स ओल्ड, तो 12 यानी कि 12 साल की तो एक बच्ची ही होती है। और इनके जब शादी फिक्स हो चुकी होती है लगभग जूलियट की, तो इनके फादर सिर्फ इसलिए शादी रोकते हैं कि भैया 2 साल रुक जाइए, एटलीस्ट सी वुड बी 14 ईयर ओल्ड, एंड नाउ द एज इज 18 ईयर फॉर गर्ल, मिनिमम एज फॉर द मैरिज, आप समझ सकते हो। तो सीन क्या है, जूलियट जो हो बालकनी में खड़ी है और इधर रोमियो है, और सी वॉज इन दिस पोस्चर, ऐसे खड़ी है वो बालकनी में। तो रोमियो बोलता है इफ आई वर द ग्लव, क्योंकि उसने हाथ में ग्लव पहन रखा है, द ग्लव वॉज टचिंग द चीक और द फेस ऑफ रोमियो, सॉरी जूलियट, इट इज अ ब्यूटिफुल यू कैन से सीन, और पूरा आप पढ़ोगे तो, बट द एंडिंग इज क्वाइट ट्रेजिक पैथेटिक वेयर बोथ द लवर्स दे हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। तो लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, और इसमें जो ये एक्ट वन सीन फाइव का है, एक्ट वन सीन फाइव से लाइन ली गई है, एंड द लाइन अटर्ड बाय रोमियो हिमसेल्फ। बाकी के प्ले मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इनके बारे में बहुत बात हो चुकी है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दीज प्लेज। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन्स वॉलपन इज, बेन जॉनसन्स वॉलपन अ ब्यूटीफुल प्ले इट इज, और इसका एक सब टाइटल भी है फॉक्स। तो वॉलपन इज अ वेरी कनिंग टाइप ऑफ फेलो, बड़ा ध्रुत है। बेन जॉनसन इज नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, अ क्लासिकल प्ले राइट ही इज कंसिडर्ड। तो इनके उसके ऊपर किसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, we know very well if we talk about the old comedy, who is known for old comedy, that is Aristophanes, who is known for the new comedy, Menander, और new comedy का असर दिखता है restoration comedy के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा Aristophanes, ऑप्शन नंबर बी, Aristophanes, जो ये माना जाता है he is the father of comedy। कॉमेडी जो है वो अरिस्टोफेन्स के साथ ही स्टार्ट होती है, और अरिस्टोफेन जो है ये ग्रीक है। और जो जुवेनल है, जुवेनल वाज फेमस फॉर स्टायर्स, जुवेनल एंड होरेस बोथ फेमस फॉर स्टायर्स एंड दे आर रोमन्स, ठीक है। प्लोटस इज आल्सो फेमस फॉर कॉमेडी बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी जी। तो अरिस्टोफेन इज द आंसर, और इनका जो बहुत फेमस पोएम है प्ले है दैट इज क्लाउड, एंसेंट प्ले इट इज द क्लाउड एंड द फ्रॉग। जब ड्रामा पढ़ा था तो ये सारी चीजें बताई थी, याद हो तो आपको, द फ्रॉग, ऑलमोस्ट 3 घंटे हमने ड्रामा पे लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरिस्टोफेन्स। किपलिंग द वाइट मैनज बर्डन इज एड्रेस्ड टू, किपलिंग से कई सारे क्वेश्चन आ जाए हैं, द अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस, ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन फिलीपींस, द वाइट मैनज बर्डन इज एड्रेस्ड टू इट, और इसका जिक्र दीपेश चक्रवर्ती करते हैं अपनी बुक में, दीपेश चक्रवर्ती, द बुक पब्लिश्ड इन 2000 एंड ही इज अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, पोस्ट कॉलोनियल एज के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं।
प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप ऑप्शन नंबर है। यस मैं तो देख रहा था कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। यस प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप इट इज अ कॉन्सेप्ट। तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट इट इज। एडवर्ड सैयद सारे के सारे हैं तो पोस्ट कॉल। एडवर्ड सैयद इज फेमस फॉर ओरिएंटलिज्म। ही इज फ्रॉम फिलिस्तीन और द कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू दीपेश चक्रवर्ती। द कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू दीपेश चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे। किसी का फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट मी ऑन दिस नंबर। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज। ये क्या लिखा है शर्मिष्ठा आपने? हाँ पोस्ट कॉलोनियल, अच्छा हटा दिया है कुछ। बांग्ला में तो नहीं लिख दिया शर्मिष्ठा आपने कुछ, हमें समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। कल जो सेशन रहेगा वो लंबा सेशन रहेगा, मैराथन क्लास होती है संडे को और 10 o'clock पे होगी, 10 to 12 रहेगी। यदि अच्छी खासी संख्या में लोग जुड़ेंगे तो सेशन उतना ही लंबा रहेगा, और यदि यही 5-7 रहना है तो फिर आपको पता है भाई घंटा डेढ़ घंटा चलेगा, डेढ़ घंटा तो चलेगा ही, बोल रखा है तो हमने तो अपनी बात रखनी ही है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना शेयर करते हो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या जो भी आपके प्लेटफॉर्म होंगे, तो प्लीज़ शेयर करें। बुक यदि किसी ने नहीं ली है तो ले लें। कोई यदि कोर्स लेने का प्लान कर रहा है तो 50% ऑफ चल रहा है, आज हो गया 18, 20 तक का ऑफ है, 20 के बाद फिर से वही प्राइस हो जाएंगे, यानी कि जो 1 year का कोर्स है वो 7000 का हो जाएगा जो अभी 3500 का है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स दिस इज द आई थिंक बेस्ट टाइम फॉर यू, वो ज्वाइन कर लें। अदरवाइज फ्रॉम क्या हो जाएगा ट्यूजडे ऑनवर्ड द ओल्ड प्राइसेज विल बी रीअस्यूम्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। जो आज लेट आए हैं वो बाद में देख लेना। इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक द सेशन। यदि आप लाइक करते हैं तो, लाइक नहीं करते हैं अच्छा नहीं लगा तो फिर मत लाइक करना। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग।